बेटी मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना मुझे, तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। कभी तुम्हारा खाना बनाओ, कभी पानी लाओ, कभी चाय लाओ, कभी दवाई लाओ। मैं इस घर की नौकरानी हूँ या बहू, ये बताओ मुझे। ये कैसी बात कर रही है बेटी, तू इस घर की बहू है, मेरी बेटी है। तो फिर मैं ही क्यों काम करूँ दिन भर यहाँ? ठीक है बेटी, आज से तो मेरा कोई काम मत करना, अब तो ठीक है ना? देखो मुझे नहीं रहना यहाँ इस पुराने घर में, अब मैं अपने पति के साथ नए घर में रहूंगी। तो चलो बेटा नए घर में रह लेंगे। नहीं, आप यही रहिए, आपको हमारे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अपने बेटे से कह देना जैसा मैं कहूँ वैसे करे, वरना फिर मत कहना कि मेरी वजह से घर टूट गया। अरे आ गए आप, अब बेटी में पानी लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, मुझे ना तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? बताओ क्या बात है? I'm pregnant. क्या? सच कह रही हो तुम? हाँ सच कह रही हूँ। यार आज माँ होती तो बहुत खुश होती। अच्छा तुम मूड ऑफ मत करो, आज कितना खुशी का दिन है, खुश रहो। चलो तो मैं पिताजी को बता कर आता हूँ ये गुड न्यूज, उन्हें पता चलेगा वो दादाजी बनने वाले हैं तो बहुत खुश होंगे। अरे अरे अरे, मैंने उन्हें ये न्यूज दे दी है और उन्होंने कहा है कि तुम शहर में जाके रहो ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। ये क्या कह रही हो तुम? अरे मैंने नहीं कहा, पिताजी ने कहा है। और सही बताऊं मुझे भी ये बात सही लगी, शहर में पास में हॉस्पिटल है, मेडिकल फैसिलिटीज है, और अगर कोई इमरजेंसी हुई तो तुरंत हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। और यहाँ क्या है, कुछ भी तो नहीं, यहाँ तो एम्बुलेंस भी कई घंटों में आती है। वो बात तो ठीक है यार, पर पिताजी की भी तबीयत खराब रहती है, उन्हें देखने वाला कौन है मेरे और तुम्हारे सिवा? यार तुम तो ऐसे डांट रहे हो जैसे मैं जिद कर रही हूँ शहर जाने की। जो मुझे पिताजी ने बोला मैंने वो तुमसे बोल दिया। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन हम पिताजी को भी अपने साथ ले चलेंगे। मैंने भी उनसे यही बोला, पर उन्होंने बोला कि मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं उन्हें समझा कर आता हूँ। जाओ बेटा, पर मैं पहले ही बुड्ढे को अच्छे से समझा के आ चुकी हूँ। पिताजी, ये वर्षा क्या कह रही है? आपने बोला है उससे वो सब? हाँ बेटा, मैंने बोला उससे कि तुम शहर में जाके रहो, जब तक बहू प्रेग्नेंट है, उसके बाद वापस घर आ जाना। पर पिताजी। बेटा जो मैं बोल रहा हूँ ना मान जाओ। चलो ठीक है पिताजी, पर मैं आपसे फोन पर बात करता रहूंगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। यही चाहती थी ना?
ये बुड्ढा अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। खैर विकास, तुम मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो बिल्कुल आजकल। ऑफिस के अलावा कौन है यहाँ पर जो मैं तुम्हें टाइम नहीं देता? कहाँ, दिन भर तो तुम इस फोन में लगे रहते हो। और दिखाओ जरा इस फोन को। और बताओ तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? दिन सही रहा। और ऑफिस में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है। क्या चल रहा है आजकल ऑफिस में? कुछ नहीं, बॉस ने एक प्रोजेक्ट दिया। ठीक है वर्षा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे रुको, ये लो टिफिन अपना, और शाम को जल्दी आना, ठीक है? बाय। चलो मैं छोड़ देती हूँ। कैसा रहा आजकल? तो बताया आज पूरा दिन मैंने क्या किया? आई वाज जस्ट लेटिंग डाउन माय ऑल द वर्क, सारा घर का काम किया मैंने। वर्षा यार जल्दी करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे यार रोज तो तुम ऑफिस जाते हो, आज घर रुक जाओ ना। वर्षा यार बहुत जरूरी मीटिंग है आज, ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, समझा करो। क्या यार, मैं घर बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ, तुम्हारा ऑफिस क्या मुझसे भी ज्यादा जरूरी है? यार जरूरी मीटिंग है आज, बताया तो जाओ जल्दी से टिफिन लेकर आओ। मैं भी देखती हूँ आज ही ऑफिस कैसे जाते हैं। क्या हुआ? पेट में दर्द हुआ है। आओ बैठो। तुम यही रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं तुम यही रुको, डॉक्टर को मत बुलाओ, मेरे पास दवाई रखी है, मैं भी दवाई खा लूंगी, बस तुम यही रुको। तो तुम आराम करो, मैं पानी और दवाई लेकर आता हूँ। लो यार पानी पी। हेलो हेलो, विकास के पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, जल्दी से विकास को भी हॉस्पिटल भेज दो। ठीक है मैं उन्हें बता दूँगी, आज शाम को आएंगे तो मैं बता दूँगी। आज बड़े परेशान हो? आज पिताजी को कई बार कॉल की मैंने, पर एक बार भी उनकी कॉल नहीं लगी। अरे बस इतनी सी बात? आज मैंने बात की थी पिताजी से,
उनका फोन पानी में गिर गया है, इसलिए उनका फोन खराब हो गया है। पर मैंने उनके लिए फोन ऑर्डर कर दिया है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। अच्छा, क्या सच कह रही हो तुम? और क्या, तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ तुम्हारे पिताजी हैं? मेरे पिताजी नहीं है। थैंक यू सो मच इतना ख्याल रखने के लिए। चलो यार, मुझे मार्केट घुमा के लेके आओ। नहीं यार, मैं बहुत थका हुआ हूँ आज। मुश्किल से एक दिन की तो छुट्टी मिलती है, और वो भी तुम मार्केट घुमाने में निकलवा दोगी। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं अकेली चली जाती हूँ। ठीक, बाय। लो सर, आपकी रिपोर्ट आई है हॉस्पिटल से। ठीक है, थैंक यू। ये तो वर्षा की रिपोर्ट है, ये प्रेग्नेंट नहीं है, तो इसने मुझसे झूठ क्यों बोला? आने दो इसे, तभी पूछता हूँ। अरे यार, वर्षा अपना फोन नहीं भूल गई? हेलो, आप अमर के बेटे बोल रहे हो? हाँ जी, मैं अमर जी का लड़का ही बोल रहा हूँ। आपके पिताजी ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, आप उन्हें ले जाओ। पर अभी तक आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जी, हमने फोन किया था 3 दिन पहले, शायद आपकी वाइफ ने उठाया होगा। उन्होंने आपसे बताया नहीं था क्या? चलो अब जल्दी आ जाओ और बॉडी ले जाओ। तीन दिन पहले हॉस्पिटल से कॉल आई थी ना, बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? जल्दी बताओ वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। वो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बताऊंगी तो हमें दोबारा गांव जाकर रहना पड़ेगा। बस इस छोटी सी बात के लिए तूने मुझे नहीं बताया? तेरी वजह से पिताजी मर गए, यहाँ तक कि तूने ये भी झूठ बोला कि तू प्रेग्नेंट है। हमेशा झूठ बोलती आई है तू, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ बोलती आई है हमेशा। और मैं इसलिए चुप रहा ताकि तू खुश रहे, पर तूने उसका नाजायज फायदा उठाया और आज तेरी वजह से पिताजी मर गए। विकास प्लीज यार, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जा रहा हूं मैं, आज के बाद तो अपनी शक्ल मत दिखाना। यहाँ रहने का बहुत शौक है ना तुझे, अब यहीं मर तू। विकास प्लीज यार, डोंट गो, प्लीज मत जाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, नई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मुझसे बात करनी हो या मुझे कुछ भी सजेशन देना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज ज़रूर करें, मैं सामने स्क्रीन पर यूज़र आईडी लिख देता हूँ। बाकी आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों, मौसम काफ़ी अच्छा है, मेरे पीछे देख सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों वीडियो शेयर ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत